नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बेहद खूबसूरत डिजाइन लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में या किसी लेडीज प्रोजेक्ट में डालें या जेंट्स स्वेटर में भी आप डालेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें दोनों साइड से सिर्फ सीधा सीधा ही बुनना है। 8 लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है और डिजाइन बेहद खूबसूरत है। इसे बनाने के लिए हमें 10 के मल्टीपल फंदे चाहिए। तो डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद आप इसी रंग के ऊन से सभी फंदे सीधे बुन रहे हैं। पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। तो पहली लाइन में हमने सभी फंदे सीधे बुन लिए। अब रॉन्ग साइड से भी सभी फंदे सीधे बुनने हैं। इस डिजाइन में हमें दोनों साइड से सिर्फ सीधा सीधा ही बुनना है और 8 लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है। डिजाइन ध्यान से देखिएगा, डिजाइन बेहद खूबसूरत है, बनाने में बहुत ही आसान। तो हमने दो लाइन सीधा सीधा बुन लिया। ये डिजाइन का लाइन नहीं है, बल्कि ये बेस लाइन, डिजाइन के लिए बेस लाइन तैयार हो गया है। तीसरे लाइन से हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो मैंने अपना दूसरा कलर अटैच कर लिया है। अब यहाँ से डिजाइन शुरू होता है। तो अपने सेकेंडरी कलर से हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 6 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 1 फंदा सीधा। तो ये देखिए, हमारे 10 फंदे हो गए। 10 फंदे का ये डिजाइन है और इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी लाइन में रिपीट करना है। यानी अब 1 फंदा और हम सीधा बुनेंगे, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 6 फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 1 फंदा सीधा। और फिर यहाँ से हमारा तीसरा डिजाइन शुरू हो जाएगा। यानी 1 फंदा सीधा, 1 फंदा स्लिप करना है, फिर 6 फंदा सीधा, 1 फंदे को स्लिप करना है और लास्ट फंदा सीधा। तो हमारा डिजाइन का ये पहला लाइन कंप्लीट हुआ। देखिए, 6 के बाद हमारा अगले में 2 फंदे बीच में, 2 स्लिप किए हुए फंदे के बीच में 2 फंदे आ रहे हैं। तो हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो गया। रॉन्ग साइड से हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा ये स्लिप किया हुआ फंदा इसे स्लिप करेंगे, उसके पहले हमको उन अपनी तरफ कर लेना है, फिर उन दूसरी ओर करेंगे 6 फंदा सीधा। फिर उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर अगला फंदा सीधा। तो इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 1 फंदा सीधा, उन अपनी ओर अगला फंदा स्लिप करना है, उन दूसरी ओर 6 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 1 फंदा स्लिप करना है, उन दूसरी ओर 1 फंदा सीधा। इन्हीं 10 फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। हमारा दूसरा लाइन ये कंप्लीट होता है। अब हम सामने की तरफ हैं और ये हमारा तीसरा लाइन है। तो अब इस लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर से बुनाई करेंगे। तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर 8 फंदा हम अपने प्राइमरी कलर से सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी देखिए, बीच के 6 फंदे और साइड के दोनों फंदे, ये हमारे 8 फंदे सीधे हो जाएंगे।
और ये बीच के जो दो फंदे हैं इन्हें हम स्लिप कर लेंगे, फिर आठ फंदे सीधे। ये छह फंदे और साइड के दो फंदे, ये आठ फंदे सीधे और बीच के ये जो दो फंदे हैं इन्हें हमें स्लिप करना है। तो आठ फंदा सीधा, दो फंदा स्लिप करना है। आठ फंदा सीधा बुनने के बाद लास्ट में जो ये फंदा है इसे हम स्लिप कर लेंगे और रॉन्ग साइड से स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा। उन अपनी ओर स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करना है, उन दूसरी ओर बुना हुआ फंदा सीधा। उन अपनी ओर स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करना है, उन दूसरी ओर बुना हुआ फंदा सीधा। तो इस तरह हमारा ये चौथा लाइन कंप्लीट होता है। अब पांचवें लाइन में हम अपने सेकेंडरी कलर से तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन। नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, फिर दो फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और छह फंदा सीधा। देखिए दो फंदे जो हमने स्लिप किए थे वो और दो साइड के फंदे, ये छह फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे, एक दो तीन चार पांच और छह। दो स्लिप किए हुए फंदे और दो साइड के फंदे, छह फंदे सीधे हो गए। अगले फंदे को हमें स्लिप करना है, फिर दो फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदे को हमें स्लिप करना है, फिर छह फंदा सीधा। यानी हमारा पहला लाइन, बस ये ध्यान देना है हमें, छह फंदा सीधा, फिर नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, फिर दो फंदा सीधा। अब देखिए ये दो फंदे जो हैं वो इन छह फंदों के तीसरे और चौथे फंदे हैं। तो दो फंदा हम सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, लास्ट में तीन फंदा बचेगा उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब रॉन्ग साइड से बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है। स्लिप करने से पहले ऊन को अपनी तरफ कर लेना है। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड और अपने प्राइमरी कलर के ऊन से अब चार फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन और चार। और जो ये दो फंदे हैं इन्हें हमें स्लिप कर लेना है। अब छह फंदा और साइड के दो फंदे, इन आठ फंदों को हमें सीधा बुन लेना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ। तो आठ फंदे को स्लिप किया, अब देखिए फिर दो फंदा आ गया, तो इन दो फंदों को हमें स्लिप करना है, फिर आठ फंदे सीधे। और बीच के दो फंदों को हमें स्लिप कर लेना है। लास्ट में चार फंदा बचेगा जिन्हें हमें सीधा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे सीधे बुने जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लिया जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, 8 लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है और यहाँ पे डिजाइन कंप्लीट होता है और इन्हीं 8 लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है और देखिए एक यूनिक सा ये पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन है, बनाने में आसान और बनने के बाद बेहद खूबसूरत। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बेहद खूबसूरत डिजाइन है। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।